विवादों से चोली दामन का साथ रखने वाले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने एक और भड़काऊ बयान दे डाला है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी भारत विरोधी बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। कुछ दिनों पहले शाहिद अफरीदी ने भारत को पाकिस्तान का दुश्मन देश बता डाला था। अब अफरीदी ने प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक को लेकर एक बचकाना ट्वीट किया है। अफरीदी ने ट्विटर पर लिखा कि भारत जिस तरह से मानवाधिकार हनन के खिलाफ आवाज उठाने वालों को चुप कराने की कोशिश कर रहा है वो व्यर्थ है। यासीन मलिक के खिलाफ लगाए गए मनगढ़ंत आरोप कश्मीर की आजादी के संघर्ष को रोक नहीं पाएंगे। मैं संयुक्त राष्ट्र से अपील करता हूँ कि वो कश्मीरी नेताओं के खिलाफ इस तरह के अनैतिक ट्रोल्स को नोटिस मिले। लेकिन अफरीदी के इस ट्वीट को लेकर भारत के लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अमित मिश्रा ने लिखा, प्रिय शाहिद अफरीदी, उसने कोर्ट रूम में खुद को दोषी कबूल कर लिया है। सब कुछ आपकी बर्थ डेट की तरह मिसलीडिंग नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि कश्मीर मुद्दे पर शाहिद अफरीदी पहले भी विवादित और भड़काऊ बयान दे चुके हैं। शाहिद अफरीदी अपनी उम्र को लेकर भी विवादों में रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अनुसार अफरीदी का जन्म 1 मार्च 1980 को हुआ था, यानी कि उनकी उम्र 42 साल है। लेकिन साल 2019 में अफरीदी ने खुलासा किया था कि 1996 में नैरोबी में श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड 37 गेंदों में शतक जड़ने के समय वो सिर्फ 16 साल के नहीं थे। शाहिद अफरीदी ने अपनी आत्मकथा गेम चेंजर में लिखा कि मैं सिर्फ 19 का था, जैसा कि वो दावा करते हैं कि मैं 16 साल का था। उनका कहना है कि मैं 1975 में पैदा हुआ था। हाँ, अधिकारियों ने मेरी उम्र गलत लिखी थी। इसी पर चुटकी लेते हुए अब अमित मिश्रा ने उनको उन्हीं के लहजे में जवाब दे डाला है। ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और शाहिद अफरीदी के ट्वीट पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC24 के यूट्यूब चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।